बिल्कुल कुकू किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी आलू की सब्जी। ये उबली हुई आलू की सब्जी है। मैं आलू को उबाल लिया, छील के रख लिया, गोभी को कट करके रख लिया, टमाटर काट लिया है दो, बड़ा प्याज दो, जीरा तेजपत्ता निकाल लिया है, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, अदरक लहसुन और गर्म मसाला का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया, नमक रख देंगे स्वाद अनुसार। अब मैं बनाने चलती हूँ सब्जी। कढ़ाई में तेल डाल देंगे, तेल को गरम, तेल जब गरम हो जाएगी तो मैंने आलू को भी कट कर लिया है, तेल अब लगभग गरम हो चुकी है, उसमें जीरा डाल देंगे, जीरे को पकने देते हैं, फिर तेज़पत्ता डाल देंगे। ये दोनों अच्छे तरीके से जब पक जाएगी तो मैं प्याज डाल दूँगी, प्याज डाल के अच्छे से चलाऊँगी। जब यह हल्का गल जाएगी प्याज तो उसमें मैं गोभी डाल के भूनूंगी। गोभी डाल दिया मैंने सारा, अब मैं इसको चला के भूनूंगी। अब गोभी में मैं नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार कि अच्छे से गोभी गल जाए और पक भी जाए। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, फिर इसको मैं चला दूंगी। जब गोभी अच्छे तरीके से गल जाएगी, अभी गली नहीं है, आप चाहे तो पहले फ्राई करके निकाल भी सकते हैं गोभी, या प्याज के साथ भी फ्राई कर सकते हैं, आपको जैसे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे बनाए। हल्की हल्की गल चुकी है, अब ये पूरे तरीके से गल गए हैं। अब इसमें मैं मसाला डाल दूंगी, अदरक लहसुन और गरम मसाला का पेस्ट डाल के चला दी, और मिर्चा पाउडर डाल दूंगी, हल्दी पाउडर दोनों डाल दिया मैंने, नमक मैं पहले ही डाली हुई हूँ, डाल के अच्छे से चला दूंगी, और टमाटर डाल दूंगी, इसको भी चला दूंगी, मिक्स कर दूंगी अच्छे से। धीरे धीरे मसाला, मेरा टमाटर गल चुका है, मसाला भुना रहा है दी। जब ये अच्छे से भुना जाएगा, अब लगभग लगभग थोड़ी देर में मसाला मेरा तैयार हो जाएगा। देखिए टमाटर गल चुका है, थोड़ी थोड़ी है वो भी गल जाएगी। अब इसमें मैं आलू डाल दूंगी, मेरा मसाला भुना के तैयार हो गया, आलू डाल दी, आलू डाल के मैं मिक्स कर दूंगी। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो लाजवाब ही है। आलू डाल के मिक्स कर दिया, अच्छे से मसाला मिला दूंगी। अगर फ्राई रखना चाहते हैं तो फ्राई रखें, नहीं तो ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो ग्रेवी वाला बनाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी क्योंकि मुझे ग्रेवी वाला सब्जी बनाना है। पानी डाल दी, अब इसको अच्छे से मिला देंगे। ये अच्छे से मिल गई है, थोड़ी देर उबलने देंगे, अब मेरा सब्जी बनके तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखिए मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। उबली हुई आलू की अलग टेस्ट है, कच्चा आलू की अलग टेस्ट है, ये सब तरीके से बना के खाना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में।